बात करते हैं कोच इंडिकल टेस्ट की। कोच इंडिकल टेस्ट कैसे लगता है, जैसे हमारा नेट 2017 का क्वेश्चन है, डीजेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर का हमें इंटीगल निकालना है। तो इसके सोल्व करने का तरीका क्या आता होगा, कोच इंटीगल टेस्ट, ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर वन प्लस एन, जहाँ पे एन की हमने वन प्लस एन अलग क्यों लिखा है उसकी वैल्यू बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर वन तो मिनिमम पावर आएगी, जीरो आएगी तो नीचे कॉन्स्टेंट बन जाएगा, पोल नहीं आएगा तो कोच इंटीगल टेस्ट हम लगाएंगे नहीं, ये वाला फॉर्मूला। तो हम वन प्लस एन के रूप में लिख लेंगे इसे, एन की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे यूज होगी। फॉर्मूला क्या होगा, टू पाई आई तो हमेशा आएगा इंटू जो भी एन की वैल्यू है उतनी बार डिफ्रेंशिएशन अपॉन फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन मतलब जो भी एन की वैल्यू है उतनी बार फैक्टोरियल, ठीक। अब जैसे हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या है, डी जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एफ जेड क्या होगा, ये भी इंटरेस्टिंग बात होती है, जो हमारा पोल आया है जिस फंक्शन से उसके अलावा जो बचा फंक्शन है वो हमारी वैल्यू होती है एफ जेड की, हमेशा याद रखनी है, ठीक। हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, डी जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड माइनस वन वन के दो पोल, तो हमारा ये क्या है, पावर टू है, यानी कि एन प्लस वन, एन की वैल्यू क्या हो गई वन, यानी कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा अपॉन फैक्टोरियल वन होगा इंटू टू पाई आई होगा। अब यहाँ पे एफ जेड क्या होगा, जो जेड माइनस वन के होल स्क्वायर, यहाँ से तो पोल आया, इसके अलावा फंक्शन, इसके अलावा फंक्शन क्या है, केवल हमारा वन है, तो हमारा एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे वन हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पाई आई एफ की पावर वन, वो एफ वन ए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे वन, यहाँ पे ए की जगह वन है, तो हमारे क्योंकि हमारा एफ जेड क्या है वन है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो क्या आता है, जीरो आता है, तो यहाँ पे एफ डैश वन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो कंप्लीट इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ चेक करने की होती है कि ये डोमेन में लाई करता है या नहीं, जेड माइनस जेड नोट, यहाँ पे जेड नोट क्या है, सेंटर और रेडियस है आर, ठीक। तो यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेंगे कि सेंटर और रेडियस के अंदर आएगा ये पॉइंट जो हमारा वन है, तभी ये हम इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे, वरना नहीं।